शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए श्रद्धा। अरे ऋतु, आखिर हुआ क्या? आप इतना चिल्ला कर रही हैं? पूछिए ना अपनी इस बहू से कि क्या हुआ है। बुआ जी, वो थोड़ी भूख लगी थी तो खा रही थी। श्रद्धा, तुम इतनी भूखी थी कि तुम ये जली हुई रोटी चबा रही थी। तुम्हारे पति ने ये जली हुई रोटी क्या खाई? उसी आग में जलकर तुम सती बनने जा रही थी। खुद को सजा दे रहे हो ये खाना खाकर। क्यों? अरे कुछ सीखो तुम अपनी बहन से, जो किसी की परवाह नहीं करती। उसके पति के गले से निवाला उतरा है नहीं उतरा, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसे जरा भी परवाह नहीं है। उल्टा उसने तो होटल से खाना मंगवाया और खाकर चट कर गई। वरुण की गलती के ताने वो नैना भाभी को सुना रही है। सीखो अपनी बहन से कि कैसे खुश रहा जाता है दूसरों को परेशान करके, तभी तुम सुखी रह पाओगी। श्रद्धा, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये सब करके तुम साबित क्या करना चाह रही हो और किसे? और ये जली रोटी खा के समय बर्बाद करने से बेहतर होगा कि तुम अपने पति को मनाओ, ये नहीं कि यहाँ बैठ के खुद में रो पीटो। तुम्हें याद नहीं है कैसे अभय ने अपनी अकड़ छोड़ी थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मनाने के, कि भूल गई तुम सब कुछ? और ऋतु, आपको क्या हो गया? ये नहीं कि इसे समझाएं, उल्टा आप इसे उकसा रही हैं, सर पे चढ़ा रही हैं। अरे भाभी, आप हमें कहाँ डांट रहे? हम तो इसे प्रोत्साहित कर रहे थे कि ऐसे जली हुई रोटी ना खाए और अपने दिल जले पति को समझाए, उसे मनाए। अबे एक बार मेरी बात तो सुन। जो मुझे सुनना था मैं कल सुन चुका हूं, उसके आगे की माफी भी सुननी पड़ेगी तुझे अपने भाई की। और मैंने कहा चाबी दे, बिना तेरी माफी दिए मैं चाबी वापस नहीं दूंगा। मैंने बोला ना चाबी वापस कर। दे दूंगा, पहले तू मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दे। याद है बचपन में तू मुझे मार के अपनी भड़ास निकालता था? आज भी जितना मारने मुझे मार ले मेरे भाई, लेकिन मुझसे ऐसे मुंह मत फेर। सही गलत उस वक्त समझ ही नहीं आया यार, और इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं जानता हूं कि मैं उन दोनों बहनों के अलावा अपने भाई का भी गुनहगार हूं, क्योंकि जिंदगी तो तीनों की बर्बाद हुई। इसकी जो सजा देगा तू मुझे मंजूर, इस गलती की माफी दे दे मुझे मेरे भाई। वरुण, तू ना कभी सच बताने ही नहीं वाला था, वो तो तेरा झूठ सामने आ गया।
हमारी किस्मत के साथ तू खेल रहा था और आज तुम्हें माफी चाहिए। जिसे तू एक गलती कह रहा ना, तेरी उस गलती से मुझ पे मेरे रिश्तों पे क्या फर्क पड़ा तू सोच भी नहीं सकता है। अरे यार, मैं तो त्रिपाठी खानदान के निकम्मे निकट्टू बेटे के नाम से पहले से ही मशहूर था, पर तेरी वजह से श्रद्धा जैसी अच्छी संस्कारी लड़की की शादी मुझसे करा दी जबरदस्ती। मैंने आपसे कहा था ना यशवी जी, मेरी बातों से अभय को जरूर कोई गहरी चोट पहुंची है। और फिर श्रद्धा ने भी इस लायक नहीं मुझे समझा कि वो मुझे अपने राज बता सके, इसीलिए ना इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे उसने। तेरी उस गलती की वजह से ना मैं श्रद्धा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका हूं। झूठ! की हर बात झूठ है। अब मैंने वरुण जी को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर यह सच्चाई घर वालों के सामने बाहर आई तो हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। लेकिन अब मैं ये भी जानती हूं कि मेरी जिंदगी में इस सच के अब कोई मायने नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत की लकीरों में हमेशा से आपका ही नाम लिखा था अभय, और ये कोई गलती नहीं, ये मेरी जिंदगी की खुशकिस्मती है। सक्षम जी, चलिए, हमारी बेटी अपना घर संभालना जानती है। वरुण जी, आपके इस हरकत के लिए मैं आपको माफ जरूर करूंगी, क्योंकि इसी वजह से मुझे अभय मिले। जिनके साथ मैं बहुत खुश हूं। जितना मैं अभय को जानती हूं ना, वो भी आपको जरूर माफ कर देंगे। और ये जो कुछ भी हुआ ना, इन सब से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। माफी जो इसने किया ना, उसकी माफी नहीं, सजा मिलती है। हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। अब है, भले ही हमारे रास्ते अलग हों, पर अगर हम बाइक पे साथ जाएंगे तो उससे हम दोनों के पैसे ही बचेंगे। कुछ दिनों पहले ये बात मुझे किसी ने कही थी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।